Good morning, my dear students. Today we start our new chapter, Shapes and Design. We have already done this chapter in the previous class. So, let's start. Which shape is this? Yes, this is a cube. तो बच्चों आपने पहले हमने previous class के अंदर हमने ये पढ़े थे shapes. These are shapes. ठीक है? Today we discuss about these shapes. Which shape is this? This is square. And this is triangle. Which shape is this? Circle. Which shape is this? Rectangle. तो बच्चों हमने ये सब शेप्स पहले क्लास में किए हैं. तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो एक स्क्वायर है, स्क्वायर जिसके हमें सिंपल एक जो फ्रंट में दिखाई देता है हमें, दैट इज अ स्क्वायर. तो इसके हमें पहले भी किए ना हमने, जहां पर वेयर टू लाइंस मीट टुगेदर, वेयर टू लाइंस मीट टुगेदर इज कॉल्ड अ कॉर्नर, और इसे हम वर्टेक्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो हाउ मेनी वर्टिसेस? स्क्वायर के हम लोग वर्टिसेस नहीं करते बिकॉज इट हैज ओनली साइड. स्क्वायर हैज फोर साइड एंड ऑल साइड आर इक्वल. तो स्क्वायर की साइड कितनी है? फोर. लाइक दिस ट्राइंगल हैज हाउ मेनी साइड? वन, टू एंड थ्री. आई एम रिपीटिंग दिस टॉपिक. ठीक है, सर्कल इज, क्या आपको कोई साइड दिखाई दे रही है? नो, दैट इज सर्कल. तो नो साइड, सो हियर इज जीरो साइड. रेक्टेंगल, दिस एंड दिस आर इक्वल, दिस एंड दिस आर इक्वल, सो अपोजिट साइड आर इक्वल. बट साइड्स कितनी है? फोर, सॉरी, बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो टुडे आई विल एक्सप्लेन दीज साइज वन बाय वन. हाउ वी कन्वर्ट टू डी शेप? दीज आर टू डी शेप्स. हाउ वी कन्वर्ट टू डी शेप इन टू थ्री डी? सो फर्स्ट वी टेक द शेप ऑफ स्क्वायर. हाँ जी, दिस इज ऑल्सो द शेप ऑफ स्क्वायर, बट दिस इज, बेटा लेकिन क्या है कि दिस इज अ सॉलिड शेप. ये देखो ठोस दिखाई दे रहा है ना, भारी सा है ना, तो दिस इज अ सॉलिड शेप. जो सॉलिड शेप होती है ना, उनके क्या होते हैं? एजेस भी होते हैं, कॉर्नर्स भी होते हैं, फेसेस भी होते हैं. ठीक है, क्योंकि वो हमें सिर्फ सामने से दिखाई नहीं देते, उसके हम राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप, बॉटम, बैक, सब कुछ हम देख सकते हैं. ठीक है, स्क्वायर जो होता है ना, उसके टॉप, बॉटम, साइड कुछ नहीं होते. जो सॉलिड शेप होती है उनके ऑल थिंग्स आते हैं. सो फर्स्ट वी कन्वर्ट स्क्वायर इंटू क्यूब. तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इनको मैच कर देंगे, तो इट टर्न्स अ क्यूब. तो ये क्यूब की तरह बन जाएगा. और अब हम क्या देख रहे हैं कि क्यूब के अंदर व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्यूब. तो क्यूब के क्या क्या होते हैं? फेसेस होते हैं, एजेस होते हैं और कॉर्नर्स होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वी टेक द फेसेस. फेसेस का मतलब जहां से हम उन्हें देख सकते. तो वन फेस, टू फेस, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स. सो सिक्स फेसेस क्यूब के होते हैं. ठीक है, एजेस, एजेस का मतलब होता है बेटा हमें जितनी लाइंस दिखाई दे रही है, यानी कि इजी लैंग्वेज में हम कहें तो हम जितनी लाइंस ड्रॉ करके एक शेप को, थ्री डी शेप को ड्रॉ करते हैं ना, उन लाइंस को काउंट करते हैं. तो देखो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व. तो हाउ मेनी एजेस? देखो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन एंड ट्वेल्व. तो एजेस इज ट्वेल्व. कॉर्नर्स कौन से होते हैं? कॉर्नर्स को मैंने अभी आपको बताया था, वन टू लाइंस मीट एट वन पॉइंट.
तो ये कहां पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो हाउ मेनी कॉर्नर्स, 8. इन दिस वे वी टेक द शेप ऑफ रेक्टेंगल. दिस इज ऑल्सो सॉलिड शेप, सो वी कॉल इट क्यूबॉइड. तो बेटा इसको हम क्यूबॉइड बोलेंगे क्योंकि देखो इसमें भी फ्रंट है, इसकी बैक है, टॉप है, बॉटम है और साइड है. सो लेट्स ड्रॉ द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल. तो आपको क्या करना है बच्चे, 2 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं अगेन लाइक दिस एंड जॉइन दीज लाइन एंड वी मेड अ क्यूबॉइड. सो व्हाट इज दिस, दिस इज क्यूबॉइड. तो अब हम इसके भी काउंट करेंगे फेसेस. जैसे कि हमने पहले बताया था, 1 face, 2, 3, 4, 5, 6. सो हाउ मेनी फेसेस ऑफ क्यूबॉइड है, 6. एंड हाउ मेनी एजेस, एजेस के लिए हमें क्या करनी, लाइंस काउंट करनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अगेन सेम एजेस ऑल्सो 12. हाउ मेनी कॉर्नर्स अ क्यूबॉइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसमें भी देखो बेटा यहां से दिखाई दे रहे हैं ना आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. सो क्यूबॉइड हैज 8 कॉर्नर्स. नेक्स्ट शेप इज, विच शेप इज दिस, कोन. ये आप अपने बर्थडे पे लाते हो ना, कैप. तो आज हम एक ट्राइंगल से हम कोन ड्रॉ करेंगे. ट्राइंगल बनाया हमने, इसको नीचे से ऐसे गोल कर दिया, ठीक है. तो अब हम इसके फेसेस, फेस कितने, देखो आपको सामने से दिखाई दे रहा है ना, तो पूरा एक दिखाई दे रहा है, यहां से देख रहा है और एक यहां से, देखो यहां से भी दिखाई देता ना, तो हम इसको उल्टा करके भी यहां से देखो, यहां से दिखेगा और एक यहां से दिखेगा. तो इसके कितने फेसेस हो गए, 2. एंड हाउ मेनी एजेस. अब एजेस का मतलब क्या होता है बेटा, लाइंस होता है. लेकिन जब हम कोन को बनाएंगे तो हमें सिर्फ 1 एज होगा, बिकॉज हम एक यहां से देखो, पेपर जो है हमारा वो पेपर में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन है, जहां से हम इसको रोल करके हमने इसको एक कोन की शेप दी है, तो इट हैज ओनली 1 एज. एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स इट हैव, ओनली वन. समझ आया. नाउ दिस शेप इज कोन. नेक्स्ट शेप इज क्यूबॉइड, सॉरी सिलेंडर. सिलेंडर कैसा होता है, लाइक दिस. देखो दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप. ये कौन सी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप. इसमें क्या है, कितने फेसेस होंगे, 1, 2, 3. देखो ऊपर से भी देख सकते हैं, इसको नीचे से भी देख सकते हैं और सामने से तो दिखाई दे ही रहा है. तो हाउ मेनी फेसेस इट हैज, 3 फेसेस. हाउ मेनी एजेस, एजेस कितने इसके, 1, 2, बिकॉज हियर इज 2 लाइन, सो एजेस इज 2. एंड कॉर्नर्स, कोई कॉर्नर दिखाई दे रहा है, नो. ये देखो बेटा ये गोल हो जाता है, ये गोल हो जाता है ना, गोल है, राउंड है, सो इट हैज नो कॉर्नर्स. एंड वन मोर शेप, आई विल राइट द नेम ऑल्सो, सिलेंडर. ठीक है, समझ आ गया. नाउ वन मोर शेप इज देयर, दैट इज जो हम बनाते हैं सर्कल से, ये बनती है, सॉरी आई विल ड्रॉ इट अगेन. वन मोर शेप इज देयर, सर्कल. सर्कल से हम क्या बनाएंगे, सर्कल क्या होता है, एक बिग जीरो जिसके अंदर से हम जा सकते हैं, लाइक योर मम्मा'स बैंगल. ठीक है, तो दैट हैज नो कॉर्नर, नो एजेस. बट इफ वी ड्रॉ अ डिजाइन इन बिटवीन द सर्कल, इट विल टर्न इनटू योर बॉल. तो जब बॉल बन जाएगी तो ये हमें सामने से दिखाई दे रही है, तो इट हैज ओनली 1 फेस. बॉल होती है ना जिससे आप खेलते हो, तो बॉल हैज 1 फेस. एजेस का कोई नहीं होता तो 0, और कॉर्नर, कॉर्नर भी कोई नहीं होता तो 0. सो बच्चों आपको इस टेबल को लर्न करना है और इन सभी फिगर्स को आपको नोटबुक पे ड्रॉ करना है और उसके एजेस, कॉर्नर और फेसेस को लिखना है.
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉल मी। थैंक यू।